तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान करने वाले हैं अपना बॉलीवुड में डेब्यू, लेकिन नॉट एज एन एक्टर। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि एक रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ कि आर्यन खान उनका बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर। तो नेटफ्लिक्स पे उनकी ये वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन काफी महीने पहले जब इसकी शूटिंग वगैरह चल रही थी तब इसके बारे में ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे थे कि इस सीरीज का नाम होने वाला है स्टारडम। और नहीं, ये शाहरुख खान के स्टारडम के ऊपर फोकस नहीं करने वाले, लेकिन एज अगेन रूमर्स के हिसाब से इसकी स्टोरी होने वाली है टू फॉलो द लाइफ ऑफ अ यंग आर्टिस्ट जो कि एक आउटसाइडर है और कैसी उसकी लाइफ होती है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके ऊपर ये सारा फोकस होगा अगेन अकॉर्डिंग टू द रूमर्स। जहाँ पे द मैन हिमसेल्फ शाहरुख खान ने ट्वीट करके कहा कि इट्स अ स्पेशल डे व्हेन अ न्यू स्टोरी इज बीइंग प्रेजेंटेड फॉर द ऑडियंस। टुडे इज इवन मोर स्पेशल एज रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड आर्यन खान एम्बार्क ऑन देयर जर्नी टू शोकेस देयर न्यू सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया। यर्स टू अनटेम्ड स्टोरी टेलिंग, कंट्रोल्ड केओस, गट्सी सीन्स and lots of fun and emotion. Go forth and entertain people, Aryan, and remember, there is no business like show business. और ये सच में काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इतने बड़े एक्टर का बेटा खुद एक्टर नहीं बन रहा है लेकिन डायरेक्टर बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि बस वो डायरेक्ट करने बैठ गए, उन्होंने उसका अच्छा खासा एजुकेशन भी लिया है। लेकिन एनीवेज, आई एम एक्साइटेड टू सी दिस सीरीज एंड आई एम एक्साइटेड टू सी आर्यन खान इन द डायरेक्टोरियल रोल। जहां पे इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि एक एक्टर का बेटा नॉर्मल कन्वेंशनल रूट लेके एक्टर बनने से अच्छा यहाँ पे डायरेक्टर के चेयर में बैठने वाला है, तो यह डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। आगे बात करते हैं द साबरमती रिपोर्ट मूवी के बारे में। अब ये मूवी पिछले फ्राइडे को रिलीज हुई थी, मैंने देखी, मैंने इसका रिव्यू किया, रिव्यू का यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मूवी इतनी खास मुझे लगी नहीं, लेकिन मूवी का जो टॉपिक है और शायद ऑडियंस इस मूवी को पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण मूवी कर दी गई है टैक्स फ्री। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही जगहों पे मूवी हो चुकी है टैक्स फ्री। आगे बात करते हैं विक्की कौशल के बारे में। अब विक्की कौशल के बारे में हम रिसेंटली काफी सारे खबरें सुन रहे हैं कि उन्हें कौन से बड़े मूवीज में काम मिल रहा है, तो इसी के बारे में आगे बात करेंगे। और अजय देवगन की अगली मूवी के बारे में बात करेंगे। अब अजय देवगन ने कुछ दिन पहले रिवील किया कि वो एक नई मूवी बना रहे हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर, और उन्होंने मूवी में कास्ट करा है अक्षय कुमार। लेकिन अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि उसी मूवी में विक्की कौशल को भी काम मिलने वाला है या फिर काम मिल सकता है, जहां पे ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाली है और टू हीरो की मूवी होने वाली है, इसलिए अक्षय कुमार और पॉसिबली विक्की कौशल। और ये मूवी पे काम शुरू करने की कोशिश होने वाली है फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर 2025, यानी कि ऑफकोर्स 2026 में ही लेटेस्ट हमें ये मूवी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मिर्जापुर द मूवी के बारे में। अब कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट हो चुका था कि मिर्जापुर की एक मूवी आने वाली है आफ्टर इट्स थर्ड सीजन। थर्ड सीजन इसी साल जून के महीने में आया था और अभी अगले साल उसकी मूवी आने वाली है। लेकिन इस मूवी के वन ऑफ द लीड एक्टर्स अली फजल ने कुछ ये कहा रिसेंट इंटरव्यू में। अली फजल ने ये एडमिट किया कि वो इतने ज्यादा श्योर नहीं है कि उनका कैरेक्टर कितना और एक्सप्लोर हो सकता है जितना पहले तीन सीजन में ऑलरेडी हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये काफी चैलेंज होने वाला है कि इतने बड़े लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को एक छोटे से दो ढाई घंटे के मूवी में फिट करना। द गोल नाउ इज टू डिस्टिल ऑल द डेप्थ फ्रॉम दीज थ्री सीजन्स इनटू अ कंसाइज वन और टू आवर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस व्हिच इज क्वाइट अ चैलेंज। It all depends on how the story unfolds in this new format. तो हाँ, of course it is going to be a challenge, क्योंकि एक बड़े से सीरीज को आप अभी एक मूवी में ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, it is going to be exciting, of course challenging as well. जहाँ पे ये बात कहना मैं भूल गया कि जब इनके पास ये आइडिया आया था मूवी का, तब उसी टाइम पे न्यूज आना शुरू हो गए थे कि पीकी ब्लेंडर्स का भी सेम ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर होने वाला है कि सीरीज टू मूवी, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की ओर। आगे बात करते हैं इस फ्राइडे रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज फॉर मी एटलीस्ट। मूवी का नाम होने वाला है आई वॉन्ट टू टॉक, जिसके डायरेक्टर है सुजीत सोरकर और ऑफ कोर्स अभिषेक बच्चन इन द लीड रोल। अब इस मूवी के बारे में मैंने वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, उसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो जब इसका ट्रेलर आया था। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। लेकिन इस मूवी को कुछ लोगों ने पहले ही देख लिया है, जिसमें से है वन ऑफ द सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इम्तियाज अली। इम्तियाज अली ने इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरी लगाई और वहां पे उन्होंने कहा कि सेंटी कर दिया यार, और ऑफ कोर्स प्रेज भी किया मूवी को। तो मैं तो पहले से एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए, अब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, कल ही फ्राइडे है तो कल इसका रिव्यू आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो पी की मूवी रिपोर्ट्स के आज के एपिसोड में हम इतना ही बात करेंगे। एपिसोड वन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और बाकी वीडियोस भी आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।